एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति में वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसे आसान भाषा में अगर समझाएं तो जो परिवार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, राज्य सरकारों को उन लोगों की एक सूची बनानी चाहिए और उनको वो आरक्षण ना दिया जाए, या फिर वो लोग खुद ही आरक्षण छोड़ दें और जो लोग सही मायनों में आरक्षण के हकदार हैं, जिन लोगों ने आज तक आरक्षण का लाभ नहीं लिया, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब जिसको लेकर कई लोगों को मिर्ची लग गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है। बवाल इतना बड़ा है कि खुद को हाशिए पर खड़े लोगों का रहनुमा बताने वालों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया। इसमें एक नाम यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर का भी था। इस बंद का राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार में तो कुछ असर देखने को मिला, लेकिन यूपी में ये बिल्कुल नाकामयाब रहा। वहीं कई शहरों में कई लोगों ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की। इसी बीच एक वीडियो सामने आया, बड़ा दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में एक दुकानदार बाजार बंद कराने आए लोगों और थानेदार से उलझता नजर आ रहा है। दुकानदार साफ कहता है कि हमें आरक्षण नहीं, अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए। दुकानदार और बाजार बंद कराने वाले लोगों के बीच हुई इस बहस के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया। इस वीडियो की भारत बंद का विरोध करने वाले लोग भी तारीफ कर रहे हैं। वायरल वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का है। हनुमानगढ़ के गोलू वाला थाना क्षेत्र में बाजार बंद कराने वाले लोगों के साथ कैचिया चौकी प्रभारी सतीश भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। जब भारत बंद को समर्थन करने वाले लोगों के साथ पहुंचकर चौकी प्रभारी ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए दुकानदार से 2 घंटे के लिए दुकान बंद करने को कहा, दुकानदार भड़क गया। उसने बिना डरे और बिना हिचके पुलिस से कहा, 1-2 घंटे क्या, हम तो 1 महीने दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन हमारे परिवार के लिए खाने का इंतजाम आप कर दो। दुकानदार के ऐसा कहने पर पुलिस अधिकारी के साथ साथ बाजार बंद कराने आए लोग भी धीरे धीरे वहां से खिसक गए और दुकानदार ने अपनी दुकान खोले रखी। कारण की है, घटना होगी तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। क्यों, क्या मतलब है ना? फोन कर आजो, मां आजो फिर यार, मतलब थोड़ी है, वजह बता दियो, वीडियो बना ले। 2-3 घंटे आप कौन करा, मैं 1 मिनट 1 घंटा ही कौन करा, मान आरक्षण कौन चाहिए, सीधी बात है, मैं बंद कौन करा, मार तो सामने रोटी कौन बना, मैं रोटी और जुगाड़ देती हूँ, मैं बंद करता, मेरा तो नहीं कौन बना, डेली देते करो, मैंने हमारे सामने गृह को सीख जानो चाहिए, बात खत्म बस, मारे तो ये बिना काम कौन सा ले, घरे जावा ना, क्या कि लेके आया हो बताओ, मैं देती हूँ, मैं बंद कर दिया, मैं दिल कितनी कौन खोना नहीं, तो 2 घंटे खातर के फिर भाई बात होगी ना, मान्य कर मारा टाबर सामने रोटियां वो जुगाड़ कर दो, मैं अब बंद कर दिया, गालियो तड़का कर दियो, तड़के ही कौन खोला, माने तो मिन्ना खंडा इकट्ठा दे दो, मैं खोला ही कौन, पक्की बात हुई, कौन खोला दिल्ली, कौन खोला, मान देते हो, देखो भाई आज 5 बंदा काम करा, सारा हमारी बात मैं बंदा रखा, दाड़ी देनी पड़ेगी माने, ठीक है, और दूसरी बात संदीप भाई जी, मिनाल दिन आ जाओ, माने बिन ये मतलब को नहीं, दुकान खुली कौन खुली, बिन कौन बातों को मतलब, देखो होनी के था सारा नहीं पूछा है, हमारे कौन पूछा, सामने हमारा 2 रुपया बनी गया, रोटी बनानी मार दो, तू लो नहीं आवेगा तो मैं हमारे कड़ी काम तो जाऊंगा, थोड़ा तो काम दो तो भेज रखे, दो और भेजांगा, सामान काट रखियो, बोलो काम ही ना करो, खेतर कह के सामने रोटी ना खाओ, तो भूखा मर जाओ, बोलो ना, मारो खर्चो तो बंद करते हाँ, लो देसी में तो दस थोड़ी है, तो मार तो कह सामने चुल्लो कौन सी क्या गो, मैं फिर खोले बंद कर आगे, मैं दे दू बारो खर्चो में बंद कर देंगे, तड़का और रख लिया, तड़का भी दे दो, कोई मुद्दो ही कोई साहब है, कोई बतावे शरीफ ही बस, मैं कर लाग रहा सुप्रीम कोर्ट को एक सजेशन आया है, ढाई लाख रुपया सैलरी बिल्कुल सही है, जेके की साल की 25 लाख रुपया की कमाई है, बिन ना दो जो टेम्पो चलावे, जो बस वही है, जो पांच या चौथे जमीन पावे, जो दिहाड़ी धक्को करे,
दे बंग बंद कर देंगे ये कुछ है बस हाँ। वो निर्णय कल के दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पेज पर सारों की आए है क्या खतर खड़े हो ये तो बताओ क्या खतर खड़े हो क्या आरक्षण है किन्नी ठाक नहीं एक नहीं 25 लाख रुपया बताओ प्रशासन नुकसान होगा तो भुगता प्रशासन भुगते वो करके देख लो नुकसान हाँ लड़कर महाराज ओए इन्हें बंद करे बंद करे तो बंद कौन करी नहीं थे थारो काम कर ला थे तो दिहाड़ी पक्की कर ला जा 3 मिले थे सामने और इसे ही मनिया लगे कैंची भी रहना रहे सारा डरता मंगल कर दी क्या भीड़ कर रहे थे भाई जाओ था तारो काम करो। इस बीच आपके मन में क्रीमी लेयर को लेकर भी सवाल कौंधा होगा कि आखिर ये क्रीमी लेयर बला है क्या। दरअसल एक बड़ी क्लियर सी व्यवस्था है कि अगर किसी के परिवार को आरक्षण का लाभ मिल चुका है वो परिवार आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक तौर पर सबल हो चुका है तो ऐसे में उसके परिवार की अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आरक्षण लेने वाले आगे भी फायदा लेना चाहते हैं जबकि वो इस दर्द से गुजर चुके हैं जिसकी दवा सिर्फ और सिर्फ आरक्षण है। यही एक तरीका है जो हाशिए पर जीने वालों को 3 लेवल पर आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर उबार सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की मंशा और नियत बिल्कुल साफ जिसके तहत उसने टिप्पणी की और कहा कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए जो इसके असल हकदार हैं। लेकिन चंद्रशेखर जैसे लोग ऐसे मामलों को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।